हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो नेट का फर्स्ट पेपर होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे। एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सूची में उन्हें चुनिए जो शिक्षण की मूल अपेक्षाओं और विशेषताओं को इंगित करता है। आपके सामने ये छः ऑप्शन ये तथ्य दिए गए हैं। पहला है, शिक्षण में संप्रेषण निहित है। दूसरा है, शिक्षण वस्तुओं के विक्रय जैसा है। तीसरा है, शिक्षण का अर्थ प्रबंधन और प्रबोधन है। चौथा है, शिक्षण में अन्य को प्रभावित करना निहित है। पांचवा है, शिक्षण में अन्य व्यक्तियों को आश्वस्त करना निहित है। और जो लास्ट है, अधिसंरचनात्मक समर्थन के बिना कोई शिक्षण नहीं हो सकता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। आपके सामने नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, यानी पहला, तीसरा और जो चौथा कथन है वह सत्य है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इसका आंसर है फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्रियों के अनुप्रयोग का प्रयोजन क्या है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के अनुप्रयोग का प्रयोजन, आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं हर क्वेश्चन के ऑप्शन रिपीट नहीं करूंगी, आप या तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पढ़ लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर है फोर, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। ये जो है वह शिक्षण सहायक सामग्रियों के अनुप्रयोग का प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियाँ दी गई है। सूची एक में शिक्षण विधियाँ दी गई है, जबकि सूची दो में उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक कारक इंगित किए गए हैं। इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर को चुनिए। जैसे आपके सामने सूची एक दी गई है, शिक्षण विधियाँ जो आप सामने देख सकते हैं, जिसमें वर्णनात्मक विधि और ये चारों विधियाँ दी गई हैं, और उन्हें प्रभावी बनाने में जो सहायक कारक है उसकी लिस्ट आपको दी गई है। तो आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। तो जैसे ये कोड दिए गए हैं, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है 4321, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, आप इसका 4321 ध्यान में रखिए और इसको मैच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी विधि जो है उन्हें प्रभावी बनाने में सहायक कारक कौन कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे मूल्यांकन प्रणालियों से संबंधित कथन दिए गए हैं, उन कथनों को चुनिए जो इन प्रणालियों की सही व्याख्या करते हैं। अब ये छह कथन दिए गए हैं, मैं फिर से इन छह कथन को रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो को ज्यादा लंबा में नहीं करने वाली। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन फोर का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दो, 1, 2 और 4, ये जो कथन है यह कथन सही है, यानी ये उन प्रणालियों की सही व्याख्या करते हैं। जिसे आप इन्हें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन प्रमुख शिक्षण व्यवहारों की पहचान कीजिए जिन्हें प्रभाविता की दृष्टि से पाया गया है। ठीक है, ये सामने आपके सामने ये दिए गए हैं 6 पॉइंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन जो 3 है, 1, 3, 4, 5 कथन, ये सही है, यानी ये शिक्षण जो व्यवहार है, जैसे पहला क्या है, पाठ की स्पष्टता। तीसरा है, शिक्षक कार्य अभिमुखता। चौथा है, छात्र की सफलता दर। और पांचवा है, अनुदेशनात्मक विविधता। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में अंतर संबंधित निम्नलिखित घटनों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, आपके सामने ये फिर से 5 दिए गए हैं पॉइंट, आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1, 3, 2, 4, 5। ये जो इसकी सीक्वेंस है ना, सही क्रम, तो आपको इसमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला हो जाएगा प्रेक्षण, उसके बाद हो जाएगा संप्रत्योग का विकास, फिर होगा परिकल्पना का निर्माण,
फिर होगा सिद्धांतों के परिणामों को निगमित करना और लास्ट में होगा इन्हें पाने के लिए प्रयुक्त विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान कीजिए जो शोध के अर्थ और विशेषताओं का सही ढंग से वर्णन करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये 6 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 4 और 6। दूसरा कथन क्या कहता है, शोध प्रक्रिया में निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियां समन्वित हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा कथन फोर्थ कथन कहता है, शोध सार्थक प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। और फोर्थ सिक्स जो कथन है, शोध द्वारा प्रदत्त उत्तरों को इंद्रियानुभाविक ढंग से सत्यापित किया जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियां दी गई है, सूची एक में शोध विधियों के प्रकार दिए गए हैं जबकि सूची दो में उनसे संबंध महत्वपूर्ण विशेषताएं इंगित की गई है। इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, ये शोध विधियां आपके सामने दी गई हैं, कार्योत्तर विधि, व्यष्टि अध्ययन विधि, दार्शनिक विधि और वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। अब इसके सामने इसकी विशेषताएं दी गई हैं, आपके सामने ये कोड भी दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसका सही है 4, 5, 2, 1। ठीक है, यानी जो कार्योत्तर विधि है उसका सही हो जाएगा 4, फिर जो व्यष्टि अध्ययन विधि है उसका हो जाएगा 5वां नंबर, दार्शनिक विधि का हो जाएगा 2nd नंबर और वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का हो जाएगा 1st नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधार्थी परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए अपरामितिक यानी अप्राचलिक परीक्षण के स्थान पर परामितिक यानी प्राचलिक परीक्षण का उपयोग करता है, इसका किस रूप में वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रदत्तों को प्रस्तुत व्यवस्थित करने में तकनीकी चूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शोधार्थी को निम्नलिखित में से किसमें अधिक गुंजाइश है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, सम्मेलन पत्रक की प्रस्तुति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है, कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब अभिकथन ए क्या कहता है, कक्षागत परिस्थितियों में प्रयुक्त संदेशों के अर्थ स्वभावतः स्वैच्छिक होते हैं। और इसका तर्क दिया गया है, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप अर्थों को ग्रहण करता है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं और जो आर है वह ए की सही व्याख्या है। जो तर्क दिया गया है ना कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों के परिणाम स्वरूप अर्थों को ग्रहण करता है, तो ये इसका कारण है कि कक्षागत परिस्थितियों में प्रयुक्त संदेशों के अर्थ स्वभावतः स्वैच्छिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, उसका तर्क भी दिया गया है। कथन कहता है, कक्षागत परिस्थितियों में संप्रेषण का एक सांस्कृतिक आयाम होता है। और इसका तर्क दिया गया है, आस्थाएं, आदतें, रीति रिवाज और भाषाएं संप्रेषण की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी एक ही है कि ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं और जो आर है वह एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक और छात्र किसके बारे में निर्णय लेने हेतु स्वहित के मुद्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उनकी स्वीकार्यता। जो कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक और छात्र होते हैं वह उनकी स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेने हेतु स्वहित के मुद्दों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षागत परिस्थितियों में सूचना प्रक्रमण को प्रभावित करने वाले चर हैं। आपके सामने ये 6 चर दिए गए हैं जो सूचना प्रक्रमण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो चर हैं वह सही हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मतलब
एक दो तीन चार जो स्टार्टिंग के चार चर हैं, प्रत्यक्षीकरण स्तर, अर्जित आदतें, अभिवृत्तियां, आस्थाएं और मूल्य, और चयनात्मकता कारक, ये इसका सही सूचना प्रक्रमण को प्रभावित करने वाले चर हैं और ये इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इसमें एक अभिकथन दिया गया है जिसे पहले दो क्वेश्चन हमने किए थे ए, और उसका आर कारण दिया गया है तर्क। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो अभिकथन ए कहता है, कक्षागत परिस्थितियों में चयनात्मक प्रभावन सूचना स्रोत के बारे में छात्रों के प्रत्यक्षीकरण एवं जानकारी पर निर्भर करती है। और इसका तर्क दिया गया है, संप्रेषण स्रोत की प्रभाविता छात्रों की सूचना के बारे में चयनात्मक अभिमुखता को निर्धारित करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो वन है, ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन के बारे में देखा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और YouTube के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।